बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम द रीडर्स स्कूल हाफिजाबाद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इंक्लूड कंप्यूटर डेफिनेशन, कंप्यूटर पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज कंप्यूटर। In simple words, computer is an electronic machine that solves problems according to given instructions. Computer एक ऐसी electronic machine है जो कि हमारी problems को solve करती है। किस तरह करती है? जो हम उसको instructions देते हैं उस तरह करती है। Like मैं computer को कहती हूँ कि मुझे 2+2 का sum कर दे। जब तक मैं 2+2 का sum खुद से type नहीं करूँगी keyboard से, तब तक वो मुझे answer नहीं देगी। नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंप्यूटर किन से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जो मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वे टू हैं। कौन से? हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर कंप्यूटर्स के टेंजिबल पार्ट्स होते हैं जिसमें हमारा कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, मोनिटर, सीपीयू, प्रिंटर। ये ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हार्डवेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग टेंजिबल हैं, टच भी कर सकते हैं हम इनको और सी भी कर सकते हैं, मतलब देख भी सकते हैं। नेक्स्ट ये सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अभी एग्जांपल हमने ली कि 2+2 का हमने आंसर लेना है, तो जो हम कंप्यूटर को इंसर्ट करेंगे कीबोर्ड के साथ उसके अंदर कमांड, उसके ही ज़रिए वो हमें आंसर देगा। मिसाल है, मैं चाह रही थी कि मुझे 2+2 की जगह 2-2 का आंसर दिया जाए। मैंने कंप्यूटर में 2+2 ऐड कर दिया और आंसर बाय मिस्टेक मैंने ऐड कर दिया, मैंने प्लस की जगह माइनस लिख दिया, तो कंप्यूटर ने मुझे वही आंसर देना है जो मैंने टाइप किया था। चाहे मेरे वो लॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएगी, वो मेरी प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो यूज़र है, जो मैंने ऐड एंटर किया, मैंने गलत एंटर किया। ठीक है, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास दी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, के कंप्यूटर के कितने टाइप्स होती हैं। बेसिकली कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा टाइप्स हो जाती हैं। इसमें लेवल्स आ जाते हैं, हाई लेवल आ जाता है, मिडिल लेवल आ जाता है, लो लेवल आ जाता है। बेसिकली जो हमारी बहुत यूज टू डिवाइसेज है जिसमें कंप्यूटर की टाइप्स आ जाती हैं, वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जो कि सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, एक मोनिटर है जिसके साथ उसके सीपीयू अटैच है। ठीक है, ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ जाते हैं। इसमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही यूज़र बैठ के इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप्स, ये लैपटॉप है, ये बिल्कुल कॉपी की तरह होता है, हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टैबलेट्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स। टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स भी कंप्यूटर्स में आ जाते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर्स वाले ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टैब की स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है जबकि फ़ोन की जो स्क्रीन होती है वो थोड़ी छोटी होती है। ये डिफरेंस आ जाता है इसमें। बेसिकली ये सारे ही क्या हैं, कंप्यूटर की टाइप्स में आ जाते हैं। आपका होम टास्क ये है कि जो भी हमने आज कंप्यूटर की टाइप्स देखी हैं, उसके अलावा हम लोगों ने कंप्यूटर कंपोनेंट्स देखे, उसके अलावा हमने ये देखा कि कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन हो, आपने जितना भी लेक्चर अभी ऊपर हमने देखा वो सारा आपने लर्न करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।